हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन के बीच में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। T20 सीरीज़ शुरू होने वाली है दोनों ही टीम्स के बीच में। बहुत बढ़िया आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो जो न्यूजीलैंड के मैचेज़ हुए थे ना, न्यूजीलैंड की जो लीग होती है, जो T20 जैसे IPL होती है, वहाँ पर जैसे हमारे पास सुपर स्मैश लीग होती है, वो वहाँ पर वुमेन्स की भी होती है। वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज होती है, वहां पर भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही थी। BBL वुमेन्स में भी बहुत बढ़िया इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही थी, तो वो आपको देख के चलना वहां पे। देखो वो तीनों की तीनों लीग्स मुझे क्यों याद है, क्योंकि मैंने पर्सनली कवर करी थी। बहुत बढ़िया स्कोर्स मुझे पता है अभी तक भैया कितने कितने रहे थे वुमेन्स, और किस किस प्लेयर ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। एक सबर सोल है ना, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। ए जोन्स आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगी। D.IN सेलेक्शन का मैं ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया पिक रह सकती हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो भैया, जो हमारे पास वो हुआ था ना वर्ल्ड कप में भी बहुत बढ़िया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ दोनों की परफॉर्मेंस रही थी। अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे इनके पूरा का पूरा करियर, मैं जितने T20s खेले ना उतने सारे के सारे लेकर आऊँ, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी डिटेल अभी हम पर बात कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली मैं कहाँ खेलने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ MyTeam11 पर। MyTeam11 का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप जुड़ सकते हो। पर मैं Dream11 पर नहीं खेलूंगा ये मैच, मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं जो खेलूंगा मैं वो MyTeam11 पर खेलूंगा। अपडेटेड टीम वैसे आपको Dream11 की मिल जाएगी। Dream11 में सिर्फ और सिर्फ मैं ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ, स्मॉल लीग नहीं, पर स्मॉल लीग में MyTeam11 पर खेलूंगा। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा इंग्लैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन के बीच में। अगर आप देखो भैया, काउंटी ग्राउंड डर्बी में हो रहे हैं मैचेस, वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे हैं। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो काउंटी ग्राउंड ये इंग्लैंड में मैचेस हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, करीब करीब अभी से 1.5 घंटे के बाद, यहाँ पर अगर आप देखो भैया, इंग्लैंड वुमेन फ्रेश स्टार्ट के साथ आएगी वेस्ट इंडीज़ वुमेन के खिलाफ, और बहुत बढ़िया दोनों की दोनों टीम्स हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एकल स्टोन एक बहुत बढ़िया भैया पिक है, बॉलर में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे। इकल स्टोन जैसे मैंने आपको बताया नंबर 1 बॉलर हैं ICC वुमेन्स T20 में, और यहाँ पर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे। एस टेलर आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के दे देंगे। टॉप रन स्कोरर थी T20 वर्ल्ड कप में। और यहाँ पर अगर आप देखो, जो दोनों की दोनों टीमें भिड़ी थी ना, तब वहाँ पर एन शिवियर ना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। 56 बॉल में 57 रन मारे थे करेबियन बॉलर्स को। चाहेंगे कि भैया इस एन शिवियर को बहुत जल्दी आउट करें, पर बहुत कम चांसेस हैं कि भैया एन शिवियर इतनी जल्दी आउट होने वाली हैं, क्योंकि पहले ही इस टीम के खिलाफ ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर चुकी हैं। अब स्काइज की अगर आप बात करो, वेदर रिपोर्ट की बात करो, 10% चांसेस हैं रन के, पर ये मान के चलो कि भैया नहीं होगी, बहुत कम, अगर होगी भी ना तो बहुत कम होगी, तो उसकी वजह से मैच नहीं रुकेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो टेम्परेचर रहने वाला है वो 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर बात करो तो पिच रिपोर्ट जो यहाँ पर अगर आप देखो, जो वुमेन्स मैचेस हुए हैं वो 150 से 160 रन और फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल पिच रहने वाली है। यहाँ पर जो 29 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं उसकी अगर आप बात करो, 159 जो है फर्स्ट इनिंग्स हो रहा है। एवरेज रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करो, 15 बार जो चेस करते हो टीम जीती है, 14 बार यहाँ पर हारी है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड वुमेन, अगर आप देखो भैया यहाँ पर नीचे बेंच भी लिख रखा मैंने, बेंच के नीचे जो प्लेयर हैं वो शायद नहीं खेलेंगे, पर बेंच के ऊपर वाले प्लेयर आपको खेलेंगे, वो आपको स्टैट्स में सारे के सारे लेकर आया हूँ। डी व्यात 109 मैच में रन जो करे हैं वो 1600 रन करें, एवरेज 20 की है। फिर उसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो भैया 123। एमी की अगर मैं बात करूँ, एमी जोन्स 49 मैचेस में यहाँ पर अगर आप देखो 670 रन करें, एवरेज 19 की है, इतनी बड़ी एवरेज नहीं है। एंड शिवियर की एवरेज आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी, 75 मैचेस में यहाँ पर 1400 रन कंप्लीट करें हैं, ओवर 177, और यहाँ पर विकेट जो चटकाई हैं वो 58 चटकाई हैं। उसके बाद एच वाइट आपके पास है 74 मैचेस में 1100 रन, एवरेज 22 की, और ओवर 86 में 20 विकेट। एच वाइट एच नाइट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। फरहान विलियम्स के अगर आप बात करो तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही है। अगर आप एवरेज देख लो तो एवरेज ठीक है, पर मुझे परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। और फरहान विलियमसन किसी भी लीग में नहीं खेलती हुई दिखी मुझे। उसके बाद टैमी ब्योमोंत की अगर मैं बात करूँ, एक इंपॉर्टेंट पिक, वर्ल्ड कप में भी इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद जो सुपर स्मैश लीग हुई थी वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक थी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ब्रंट आपके पास है, ये भी बहुत बढ़िया पिक है। यहाँ पर अगर आप देखो ओवर जो कितने करें, 297 और 83 विकेट चटकाई हैं, प्लस रन्स भी आपको करके दे देती हैं। ए सबर सोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 75 मैच में ओवर जो करें 251 विकेट 101, यहाँ पर इकनॉमी 5 की रही है। फिर उसके बाद मैडी विलियर्स की अगर
आप बात करो 4 मैचेस में ओवर 16 विकेट 5, उसके बाद एस इकलस्टोन 34 मैचेस में ओवर 127 विकेट 50। एस इकलस्टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, आराम से आप अपनी टीम में रह सकते हो। एस ग्लेन की अगर मैं बात करूँ 10 मैचेस में ओवर 37 विकेट 15। नीचे अगर आप देखना चाहो तो भैया स्टैट देख सकते हो, अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो यहीं से आके स्टैट्स आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपडेटेड टीम वैसे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ वुमेन की, तो एच मैथ्यूज़ एक इंपॉर्टेंट पिक है अपनी टीम के लिए, ओवर भी करवा के देंगी प्लस ओपन करके देती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एन की अगर मैं बात करूँ तो 5 मैचेस में जो रन जिसने करे हैं वो 44 और 3 ओवर में 1 विकेट चटकाई है। शायद एल कैन ना खेलें, अगर कोई और प्लेयर खेलता हो नीचे उसके भी स्टैट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलर आपके पास है 103 मैचेस में रन जो करे हैं वो 2900 के करीब, मतलब 3000 के करीब रन करें, एवरेज 36 बहुत बढ़िया एवरेज है। ओवर भी आपको करवा के देगी, अपनी टीम की कैप्टन भी है, 4 के 4 ओवर कंप्लीट करवाने वाली है। डी डॉट इन सेलेक्शन कम है इस प्लेयर की, पर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देगी। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मुझे अभी तक याद है डी डॉट इन की, बहुत बढ़िया रही थी और बॉलिंग भी आपको बहुत बढ़िया करवा के देती है, बैटिंग में भी ऊपर आती हैं। ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से रख सकते हो। ब्रिटनी कूपर 67 मैचेज में, यहाँ पर अगर आप देखो रन जो करें वो 582 करें, एवरेज 11 की है। फिर उसके बाद चैमवेल आपके पास है 102 और रन 822, एवरेज 14 की ओवर 131 और विकेट 34। उसके बाद एलियन आपके पास है 5 मैचेस में ओवर 8, फिर उसके बाद विकेट 1। उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं सी नेशन आपके पास है 829 मैचेस में, यहां पर अगर आप देखो तो रन जो है 277, एवरेज 17 की। फिर उसके बाद फ्लैचर्स 47 मैचेस में बॉल्स इतने कितने डाली हैं, 855 बॉल्स डाली हैं, विकेट 42। यहां पर आप देखो भैया अभी यहां पर सी एस कॉनल की आप बात करो 41 मैचेस में ओवर जो करें वो 116 करें और विकेट यहाँ पर 23 चटकाई हैं, मतलब मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं, ओवर्स भी बहुत ज़्यादा करें हैं पर विकेट इतनी नहीं चटकाई हैं। उसके बाद सेलमन की अगर मैं बात करूँ ओवर 197 विकेट यहाँ पर 42। नीचे आ जाओ भैया, नीचे आपको सारे के सारे प्लेयर्स के स्टैट दिख जाएंगे, अगर कोई इनमें से खेलता तो इनमें से आप यहाँ पर स्टैट्स आके देख सकते हो, स्टैट्स आपको सारे के सारे बता चुका हूँ। अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं, टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस चैम्बल आपके लिए ना प्योरली ग्रैंड लीग चॉइस है, स्मॉल लीग में ट्राई भी मत कर लेना। ए जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो ए जोन्स आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ एच नाइट डी डॉट इन की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, इसको आप मतलब अभी के लिए स्मॉल लीग में नहीं लेकर जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्मॉल ग्रैंड लीग में और ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करना, इस प्लेयर को आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। डी व्यात आपके पास और बी कूपर आपके पास हैं, दोनों के दोनों प्लेयर भी बहुत बढ़िया हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टी बियोमोंथ सिलेक्शन कम है पर प्लेयर बहुत तगड़ी है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ना जिनके नाम मुझे याद ही हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी प्लस साथ में सुपर स्मैश लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं वुमेंस के वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। सी नेशन ग्रैंड लीग की चॉइस, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ने करा था। विल्सन अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। नीचे के प्लेयर्स की हम बात कर लेते हैं, एल क्रिबली कहाँ यूज़ करोगे, एल क्रिबली ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर एल विनफील्ड अगर खेलती हैं, विनफील्ड के खेलने के स्टार्टिंग में कम चांसेस हैं, पर अगर खेलती हैं तो ग्रैंड लीग में आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्मॉल ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडिंग सेक्शन की, तो एस टेलर हैं, शिवियर हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एच वाइट और के ब्रेंट, चारों के चारों प्लेयर्स की सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं मतलब वही माइटी मिलान पर इसीलिए खेलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैं ना इसे भी रखना चाहता हूँ डी डॉट इन को, और इस हिसाब से मैं डी डॉट इन को रख नहीं पाऊंगा यहाँ पर, तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा सेफ जाके वहीं पर खेलूंगा स्मॉल लीग। यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलूंगा, पक्का खेलूंगा ग्रैंड लीग, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एस इकलस्टोन आपके पास है, फ्लेचर है, उसके बाद ये सबरसोल है, तीनों के तीनों टीम आपके और तीनों के तीनों प्लेयर आपके लिए बढ़िया है। सबरसोल नंबर 1 है अभी तक ODI में, मतलब सॉरी T20 में रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, ए सबरसोल भी आपके लिए एक बढ़िया पिक रहने वाली है। फिर उसके बाद स्कॉनल तो इतनी बढ़िया पिक नहीं है, एस ग्लेन भी इतनी बढ़िया पिक नहीं है। नीचे आ जाओ एम विलियर्स आपके लिए, मुझे एक मैच याद है एम विलियर्स ने सुपर स्मैश लीग का मैच खेला था, यानी तो शायद ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस होते ना वहाँ पे मैच खेला था और बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गई थी, 3 विकेट उसने उस मैच में चटकाए थे, तो इतनी बढ़िया इतनी इंपैक्टफुल प्लेयर अगर खेल जाती है तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीम्स की, तो सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूँ कैप्टन जो मैंने रखा हुआ है वैन शिवियर को रखा है, वाइस कैप्टन जो रखा है वो इकलस्टोन को रखा हुआ है,
बहुत ज़्यादा वाइस कैप्टन बनते हुए दिख जाएंगे आपको ग्रैंड लीग में भी, स्मॉल ग्रैंड लीग में भी। यहाँ पर ए जोन्स आपके पास एच वाइट हैं, डी व्यात हैं, फिर उसके बाद बी कूपर हैं, के ब्रंट हैं, स्टेलर हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो भैया एच मैथ्यूज़ हैं, ए सबरसोल और उसके बाद ए फ्लेचर, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग हेड टू हेड फेवरेबल है, आराम से हेड टू हेड में लगा सकते हो इस टीम को। पर वाइस कैप्टन चेंज करना चाहे एस टेलर को रख लो, एस टेलर और एच मैथ्यूज़ भी दोनों के दोनों बहुत बढ़िया पिक रहने वाले हैं एज अ वाइस कैप्टन। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहती है, तो इसीलिए 7-4 का रेशियो मैं हेड टू हेड में लेकर जा रहा हूँ। ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन जो मैंने रखा हुआ है स्टेलर है, फिर उसके बाद वाइस कैप्टन एच नाइट है, ए जोन्स हैं, फिर उसके डी व्यात हैं, बी कूपर हैं, फिर उसके बाद डी डॉटिन है, के ब्रंट हैं, चीवियर हैं, फिर उसके बाद सिकल स्टोन है, कॉनल है, फ्लेचर है, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है, ग्रैंड लीग में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैप्टन जो मैंने रखा हुआ है एच नाइट को रखा हुआ है, वाइस कैप्टन यहाँ पर चीवियर हैं, ए जोन्स हैं, डी व्यात हैं, फिर उसके बाद बी कूपर हैं, डी डॉटिन है, के ब्रंट हैं, फिर उसके बाद स्टेलर है, सिकल स्टोन है, फ्लेचर और है, सेलमन है, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ये स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो आप, ग्रैंड लीग में मत करना। डी व्यात आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है, इसे भी कैप्टन रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्लेयर को अगर आप ऐसा कैप्टन लेकर जाते हो तो, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।